आज के कार्यक्रम में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार के लोकप्रिय विधायक, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, राज्यसभा में उपसभापति श्री हरवंश जी, बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री तारक किशोर प्रसाद जी, रेणु सिंह जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार जी, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी, लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, लोकसभा में हमारे साथी सांसद श्री राजीव प्रताप रूड़ी जी, गोस्वामी जी, बिहार सरकार के मंत्रीगण, बिहार विधानसभा और परिषद के माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा का ये ऐतिहासिक भवन के हम शताब्दी समारोह मना रहे हैं। पूर्व हमारे वक्ताओं ने बताया कि किस तरीके से बिहार और उड़ीसा की प्रांतीय विधायी परिषद की बैठक 7 फरवरी 1921 हुई और इस ऐतिहासिक भवन में हुई। इसलिए हम हमारे पुरातत्व और हमारी पुरातन भवनों को याद कर उनकी स्मृतियों को याद करते हैं। बिहार विधानसभा का यह भवन इस बात का साक्षी रहा है कि पिछले कई दशकों से लोकतांत्रिक यात्रा में बिहार में लोकतंत्र को सशक्त किया है, मजबूत किया है और इसी अवसर पर आज डिजिटल टीवी की शुरुआत हुई, विधानसभा की पत्रिका का भी शुरुआत हुई। इसके लिए मैं विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। विधानसभा के सदस्य रूप में जनता ने आपको बहुत अपेक्षा आकांक्षाओं के साथ यहाँ पर भेजा है, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मुझे विश्वास है कि आप सब आम जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। आपके प्रयासों से इस राज्य में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होगा और इसके लिए हमें व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। माननीय बिहार विधानसभा की भूमि विश्व में लोकतंत्र की जन्मस्थली रही है। लोग तब जब लोकतंत्र की चर्चा करते हैं तो ये लोकतंत्र 1947 के बाद का लोकतंत्र नहीं है। भारत में लोकतंत्र हमारी पुरातन संस्कृति रही है और बिहार उसकी जन्मस्थली रही है। ये बिहार जन्मस्थली होने के साथ साथ यहाँ के लोगों में, यहाँ के विचारों में, यहाँ की कार्यशैली में हमेशा लोकतंत्र रहा है और इसीलिए आज देश के अंदर कितने भी परिवर्तन आ जाएं, लेकिन परिवर्तन के कालखंड में लोकतंत्र हमारी कार्यशैली का, हमारे जीवन का भिन्न अंग रहा है। बिहार लोकतंत्र की नहीं, बिहार भारत की सभ्यता, ज्ञान, आध्यात्मिक चेतना की धरती भी रही है। भगवान बुद्ध को शांति और अहिंसा और प्रेम का शाश्वत संदेश बोध गया से ही पूरे विश्व में प्रसारित हुआ है। भगवान महावीर का संदेश आज भी मानव जीवन को एक राह दिखाने का काम करता है। भगवान बुद्ध
और भगवान महावीर के संदेश आज भी प्रसारित है, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर उनके संदेश जीवन बदलने के लिए हैं। साथियों, ये मगध साम्राज्य अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश कराया। इसलिए ज्ञान की धरती भी बिहार को कहते हैं। आध्यात्मिक धरती हो, ज्ञान की धरती हो, एक बड़ी विरासत इस बिहार की रही है और इसकी कला संस्कृति, यहाँ की विविधताएं अपने आप में पूरे देश के अंदर एक संदेश देती है। बिहार प्रांत के लोग, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि बड़ी संख्या के अंदर बिहार के लोग देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। उनकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सेवाएं पूरा देश जानता है। किस तरीके से मैं कह सकता हूं कि उदाहरण है कई तरीके के कि देश के अंदर पढ़ने वाला विद्यार्थी और सरकारी राज्य की सेवा के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा अधिकारी है तो बिहार का है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर भी, कोटा में भी कम से कम 1,00,000 विद्यार्थी वहां पर कोचिंग करने आता है। वहां के विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को मैं जानता हूं और बिहार का नौजवान की प्रतिभा और कौशल के माध्यम से आज बिहार का नाम नहीं कर रहा, पूरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बिहार का नौजवान कर रहा है। चंपारण बिहार में की धरती पर महात्मा गांधी ने एक नया संदेश दिया था। उस समय उनके आंदोलन ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह कर एक नई दिशा दी और ये चंपारण का आंदोलन ही था जिसने आजादी की एक नई लड़ाई के अंदर एक नई दिशा दी है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी, समस्त देशवासी जानते हैं, सादा जीवन उच्च विचार के आधार पर उन्होंने एक नई दिशा दी थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति जिसने सामाजिक जीवन में व्यापक बदलाव किया। आज हम कर्पूरी ठाकुर जी जिन्होंने न्याय और सामाजिक न्याय के आधार पर देश को अति पिछड़े लोगों के न्याय के लिए एक दिशा दी, उनको भी याद करने का आज दिन है कि उनकी पुण्यतिथि है। साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की इस लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में हमारी संवैधानिक संस्थाओं को सख्त किया, मजबूत किया है। हमने कई क्षेत्रों के अंदर उल्लेखनीय प्रगति की है। आज जब हम आजादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमें एक चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करें और सशक्त करें। देश के अंदर संसद हो चाहे विधानमंडल हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि के नाते इन संस्थाओं को मजबूत करें, सशक्त करें, जनता की अपेक्षाएं आकांक्षा रखें और जनता की समस्याओं को संवेदनशील के साथ रखकर इन संस्थाओं को हम उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने वाली संस्था बनाने का काम करें। सदन की गरिमा पर बहुत चर्चा होती है, हम भी कई बार चर्चा करते हैं। सदन की गरिमा और मर्यादा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जितनी हम सदन की गरिमा बनाए रखेंगे उतनी हमारी भी गरिमा रहेगी और इसलिए प्रतिनिधि संस्थाएं होने के कारण जनप्रतिनिधियों की विशेष जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर सदन के अंदर सदन की मर्यादा रखें, सदन हमारे अधिकतम चर्चा संवाद के केंद्र बने और चर्चा संवाद से जो मंथन निकले, जो विचार निकले, उससे हम एक अपेक्षित परिणाम लाकर देश और प्रदेश की जनता का कल्याण कर सकें। और इसीलिए ये सदन जहां पर कार्यपालिका के लिए जवाबदेही बनाते हैं वहां सरकार में पारदर्शिता लाने का भी काम करते हैं। इसलिए भी मुख्यमंत्री जी ने कहा
कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, संवाद होनी चाहिए, अपनी बात को पूरे जोर से रखना चाहिए, तर्कों से रखना चाहिए, और तर्कों से रखी हुई बात पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए और कार्यपालिका पर नियंत्रण करने की कोशिश करना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हर मुद्दे पर, हर विषय पर सदन में चर्चा हो, विचार विमर्श हो, कानून बनाते समय व्यापक चर्चा हो, संवाद हो, नीतियां बनाते समय व्यापक चर्चा संवाद हो, और इस संवाद चर्चा के सामूहिकता के साथ कई निर्णय सामूहिकता के साथ होंगे, उन सामूहिकता के निर्णय के माध्यम से हम एक अपेक्षित परिणाम राज्य में ला सकते हैं। इससे हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि किस तरीके से हम इन सदनों को चर्चा और संवाद का केंद्र बनाएं। लेकिन जब आज़ादी का 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय भी है कि देश में जिस तरीके से, चाहे राज्य के विधानमंडल हो चाहे केंद्र के विधानमंडल हो, जिस तरीके से सदन में गरिमा गिरती जा रही है। हमने पिछली बार शिमला के अंदर इस बात की भी चर्चा की थी कि हम किस तरीके से विधानमंडलों को गिरती गरिमा और शालीनता को कम करने का प्रयास करें, और इसके लिए आवश्यक होनी चाहिए कि हम इन विधानमंडलों के अंदर चर्चा करें, संवाद करें, विचार विमर्श करें, सामूहिकता के साथ निर्णय करें। लेकिन हम सबके लिए चिंता का विषय है कि लगातार सदनों में चर्चा कम हो रही है, संवाद कम हो रहा है, कानून बनाते समय व्यापक चर्चा संवाद नहीं हो रही, और सदन में गरिमा कम होती जा रही है। हमारी अनुशासन और शालीनता हमारा आभूषण होना चाहिए, और इस सब की जिम्मेदारी हम सब की है। साथियों, ये एक बहुदलीय संसदीय व्यवस्था है हमारे यहाँ, और बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाओं में सरकार आती है जाती है, दलों में परिवर्तन होती है, लेकिन इन सब परिवर्तन के बाद भी हमें ये व्यापक प्रयास करना चाहिए, चाहे सत्ता किसी भी दल की हो, हमारा ये प्रयास हो कि सदन में चर्चा हो, संवाद हो, सदन की गरिमा बनाए रखें, शालीनता के साथ चर्चा करें, चर्चा संवाद कितना भी तीखा हो लेकिन चर्चा संवाद में प्रदेश का हित सबसे पहले होना चाहिए, और जब चर्चा संवाद होगी तभी सदन की गरिमा और बढ़ेगी। इसीलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि लोकतंत्र के मंदिरों को हम वाद विवाद और संवाद आधारित पद्धति बनाएं। साथियों, हमारे लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति हमारी कार्य संस्कृति के अंदर है, और हमारे लोकतंत्र की ये विशेषता है, चाहे कितने भी मतभेद हो, कितनी भी सहमति असहमति हो, लेकिन उन सहमति असहमति की लोकतंत्र की संस्कृति के अंदर हम किस तरीके से राज्य के विकास की योजनाएं बना सकते हैं, और इसीलिए सहमति असहमति अलग मुद्दों पर होती है, अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग अपेक्षाओं से लोग चुनकर आते हैं, लेकिन सबके बाद भी हम किस तरीके से इन सदनों के अंदर व्यापक चर्चा संवाद कर सकते हैं और सहमति असहमति दर्ज कराते हुए किस तरीके से जनता का कल्याण कर सकते हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और पिछली बार जब पीठासीन अधिकारियों का शताब्दी सम्मेलन जब शिमला में हुआ तो सब पीठासीन अधिकारियों की एक ही चिंता थी कि सदनों की घटती हुई संख्या, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से विधान मंडलों के अंदर बैठकों की संख्या घटती जा रही है, क्योंकि बैठकों की संख्या घटने का कारण सदन में शालीनता भी है न होना, गरिमा न होना भी है। इसलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ हमको चुनकर भेजा है, जिन आशाओं विश्वास के साथ हमें चुनकर भेजा है, हम सदन की बैठकें ज़्यादा देर चलाएं, ज़्यादा दिन चलाएं, हर मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हो, संवाद हो, नीतियाँ बनाते हुए यहाँ चर्चा संवाद हो, कानून बनाते समय व्यापक चर्चा हो, जनता की सक्रिय भागीदारी हो, जनता के इनपुट लेकर हम कानून बनाते समय अपने तर्क रखें, ताकि उससे सरकार में भी पारदर्शिता आएगी
और कार्यपालिका पर भी व्यापक नियंत्रण आएगा। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अधिकतम समय चर्चा और संवाद का केंद्र इन विधान मंडलों को बनाएं। साथियों, अब समय आ गया है जब हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब देश की जनता की अपेक्षा हमसे बहुत ज़्यादा है। आज दुनिया के अंदर जो देश लोकतांत्रिक देश नहीं है वो भी डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे हैं। आज डेमोक्रेसी पर चर्चा हो रही है, पूरे विश्व के अंदर हर देश ये प्रयास कर रहा है, प्रतिस्पर्धा के अंदर है कि मेरा देश सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन दुनिया के अंदर भारत तो लोकतंत्र की जननी है। और इसलिए हमारा इस समय एक संकल्प विचार होना चाहिए कि हम हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे मजबूत करें, और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए हमारे सदनों विधानमंडलों को हमें व्यापक रूप से चर्चा का केंद्र बनाने की आवश्यकता है। हम ये तो कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है, सबसे बड़ा संविधान भी हमारा है, लेकिन इस डेमोक्रेसी लोकतंत्र को अगर सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, तो हम सबकी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है जिनको जनता ने चुनकर भेजा है। इसलिए सदन में अपनी बात तर्कों से कहें, तीखेपन से कहें, असहमति दर्ज कराएं, लेकिन चर्चा और संवाद के बीच में हमें गरिमा और शालीनता नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल जो विधानमंडलों के अंदर जिस तरीके की गरिमा और शालीनता गिरती जा रही है, इससे सारा देश का व्यक्ति चिंता है। मुझे कई बार लोकसभा में लोग कहते हैं कि लोकसभा चलेगी ना चलेगी। कई विधानमंडलों में देखता हूं कि बहुत कम विधानसभा की बैठकें होने के बाद भी उनका आधा समय शोरगुल, नारेबाजी, तख्तियों के अंदर गुजर जाता है। साथियों, हमें देश और प्रदेश की जनता ने यहां पर उनकी अपेक्षा आकांक्षाओं के लिए भेजा है, या नारेबाजी और तख्तियों के लिए नहीं भेजा है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस आज़ादी के 75 वर्ष में हम संकल्प लें कि इन विधानमंडलों की गरिमा को बढ़ाए रखेंगे और जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को इन विधानमंडलों से पूरा करने का काम करेंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में पहली बार चुनकर विधायक आए हैं, मैं उन सबको विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर पहली बार विधायक चुनकर आए हैं। जैसा कि हमारे उपसभापति जी ने बताया कि नए विधायकों को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हम किस तरीके से पुराने विधायकों का अनुभव प्राप्त करें। आपके साथ कई वरिष्ठ लोग भी बैठे होंगे, आप देखिए जो वरिष्ठ अनुभवी लोग होते हैं वो ज़्यादा देर सदन में बैठकर अनुशासित तरीके से सारी चर्चा संवाद को सुनते हैं, और इसीलिए हमारे पास हमारी नियम प्रक्रियाओं के अंदर कई प्रक्रियागत व्यवस्था है। जिस प्रक्रियागत व्यवस्था के अंदर अगर हम सदन में बैठेंगे तो कई नियमों प्रक्रियाओं के तहत अपनी बात सदन में रह पाएंगे, और इसीलिए हमारे पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हमने फैसला किया है कि सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान पुरस्कार देश की हर विधान मंडलों में होना चाहिए, और सर्वश्रेष्ठ विधान मंडल विधायक का ये परंपरा शुरू होने से जो अच्छा विधायक है, सर्वश्रेष्ठ विधायक है, वो सारगर्भित चर्चा करेगा, मुद्दों की चर्चा करेगा, सरकार की आलोचना करना है तो आलोचना भी करेगा, कार्यपालिका पर नियंत्रण की आवश्यकता है तो व्यापक कार्यपालिका पर नियंत्रण करेगा। इसलिए हमारा बार बार प्रयास होना चाहिए कि हम सारी प्रक्रियाओं, सारे नियमों प्रक्रियाओं के तहत अधिकतम सदन में बैठकर पुराने विधायकों के अनुभवों को प्राप्त करें, सदन की कार्रवाई को देखें और तर्क और मुद्दों के साथ अपनी बात को रखने का प्रयास करें। मुझे आशा है हमारी संसदीय प्रणाली के अंदर जितने हम तर्क और मुद्दों के आधार पर बात रखेंगे उतने ही सरकार की जवाब देते पाएंगे और कार्यपालिका पर नियंत्रण कर पाएंगे। मुझे खुशी है कि आज इस दिशा की ओर
इस विधानसभा में एक नई दिशा दी है कि डिजिटल टेलीविजन शुरू होगा, जिससे कि आपकी कार्रवाई सीधा प्रसारण होगा, देश प्रदेश की जनता आपके इस विधानसभा की कार्रवाई को देख पाएंगे और इससे एक नया संदेश भी जाएगा। इसी दिशा के अंदर हमने एक डिजिटल ऐप शुरू किया है और हमारी कोशिश है कि संसद की कार्रवाई पूरे देश के अंदर दूर दराज के गांव के अंदर भी बैठकर वो मोबाइल पर देख सकें। इसीलिए डिजिटल संसद की ओर हमने कदम बढ़ाए और मुझे खुशी है कि राज्य की कई विधानमंडलों ने इस दिशा की ओर बहुत अच्छा काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि कई राज्य की विधानमंडलों ने सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करते हुए अपनी विधानसभा को डिजिटल विधानसभा बनाने के कदम की ओर भी बड़ा काम किया है। आज आवश्यकता ये है कि हम सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करें और किस तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम जनता की अपेक्षाएं तो पूरी करेंगे, विधायकों का संवर्धन होगा और विधायक नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए देश भर के विधानमंडलों की कार्रवाई को देखने के बाद तर्क और चर्चा के साथ अपनी बात रख पाएंगे। और इसीलिए शिमला सम्मेलन में हमने तय किया है कि सारी विधानमंडलों को एक डिजिटल मंच पर लाया जाए, सारी विधानमंडलों की कार्रवाई एक मंच पे हो, वहां विधानसभा की कार्रवाई एक मंच पर हो, वहां की नियम प्रक्रियाएं एक मंच पर हो और उसके साथ साथ जैसे बिहार की लाइब्रेरी है, देश भर की जितनी भी लाइब्रेरी है उनको भी हम एक मंच पर लाने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर जब कभी बैठा हुआ किसी भी राज्य का व्यक्ति बिहार का बजट देख सके, बिहार की विधानसभा कार्रवाई देख सके, अन्य राज्यों का बजट और विधानसभा की कार्रवाई देख सके, केंद्र के अंदर लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई देख सके, उनके बजट देख सके। जब आप सारे देश को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो आप बजट में चर्चा करते हुए बजट में दिए गए सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के बाद आपके अंदर एक व्यापक अनुभव होगा और उस अनुभव और ज्ञान का लाभ आप अपनी अपनी विधानसभा के अंदर कर पाओगे। इसीलिए सभी विधानमंडलों के अच्छे अनुभव, अच्छे विचार, वहाँ अच्छी परंपराएं, हाँ वो भी हमने एक दूसरे से साझा करने का काम किया है। आने वाले समय के अंदर उनको हम एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय के जो जिस राज्य के अंदर अच्छी नियम प्रक्रिया हैं, अच्छे उनके अनुभव हैं, अच्छी परंपरा हैं, उनको अन्य विधानसभा मंडल भी अपनाए। जैसे मैं एक विधानसभा का उदाहरण देना चाहता हूँ, एक विधानसभा के अंदर कोई भी वेल में व्यक्ति आता है तो उसको अपना आप निष्कासित माना जाता है, उसका अपना आप निलंबन माना जाता है। ये बात कठिन है लेकिन एक परंपरा बनी, नियम बने और उस विधानसभा के अंदर कोई भी व्यक्ति बेल में नहीं आता। आज भी देश के अंदर कई दल हैं संसद के अंदर भी जो कभी भी बेल में नहीं आते, एक अच्छी परंपरा है। उन परंपराओं को हमें अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमें लोकतंत्र को सशक्त करना है तो उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करना होगा, मजबूत करना होगा, इनको जनता के प्रति जवाबदेह बनाना होगा। और इसीलिए हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इन सब लोग चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ताकि हम एक बेहतर विधानमंडल बना सकें। मैं इस मौके पर जब इसका 100 वर्ष हो रहा है, आप सबको बहुत विशेष रूप से बधाई देता हूँ। मुझे आशा है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सामूहिक संकल्प लेकर अपने दायित्व तो कर्तव्यों को निभाएंगे और किस तरीके से इस राज्य विधानमंडल के माध्यम से हम सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला सकें, बिहार का जनकल्याण कर सकें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है क्योंकि हमें जनता ने चुनकर भेजा है। मुझे आशा है बिहार वह प्रदेश है जो लोकतंत्र की जननी है, लेकिन उसके साथ साथ जिसे कहते हैं कि जीवंत लोकतंत्र बिहार के अंदर है। केवल गांव के अंदर मैं गया था तो गांव में ही देखता हूं कि गांव का हर व्यक्ति भी
लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जागरूक रखता है, लोकतंत्र के प्रति सजग है। मेरा विधायक, मेरा सांसद, मेरा मंत्री, मेरा मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, उसकी डिबेट चर्चा वो गांव में बैठकर करता है। ये वो प्रदेश है और इसीलिए इस प्रदेश में मुझे आने का जब मौका मिला है तो मुझे भी नई प्रेरणा मिलेगी, मुझे भी नया सीखने का अनुभव का लाभ मिलेगा और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सब मिलकर एक सामूहिकता के साथ इस राज्य को एक समृद्ध बिहार, विकसित बिहार, दुनिया का सबसे, भारत का सबसे बढ़ता हुआ प्रदेश बनाने का काम करेंगे और मुझे आशा है कि आप सामूहिकता के संकल्प के साथ इस काम करेंगे तो मुझे आशा है कि बिहार देश का सबसे अग्रिम राज्य होगा, हर क्षेत्र में होगा। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके की यहाँ की समृद्ध शल गौरी शरी परंपराएं रही है, उन परंपराओं को आप सब आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।